देवघर एसपी अश्वनी कुमार सिन्हा के नेतृत्व क्षमता और पुलिस अधिकारियों की टीम वर्क ने साइबर अपराधियों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध का ग्राफ झारखंड के संथाल परगना इलाकों में जिस तरह परवान चढ़ा है, ठीक वैसे ही एंटी साइबर सेल और बेहतर पुलिसिंग के जरिए साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है। देवघर पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि लगातार ऐसे हाईटेक साइबर डकैतों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी कड़ी में सारठ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के पथरअड्डा और सारठ थाना इलाकों से कुल 18 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 43 मोबाइल, 54 सिम, 32 बैंक पासबुक, 14 ATM, 5 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 96,000 रुपए नगद समेत एक एल्टो कार और एक अपाची बाइक बरामद किया है। देवघर पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्रिमिनल के अगेंस्ट में छापामारी की जा रही है। उसी के अंतर्गत सारठ थाना क्षेत्र और पथरअड्डा ओपी क्षेत्र में छापामारी की गई है, जिसमें कुल 18 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 43 मोबाइल, 54 सिम, 32 पासबुक, 14 ATM, चेकबुक 5, 1 लैपटॉप, 96,000 रुपया, 4 पहिया वाहन आल्टो 1 और अपाची मोटरसाइकिल 1, इसकी बरामदगी की गई है। आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है और अगर इनका आपराधिक इतिहास होगा इनको बेल मिलने में कठिनाई होगी, हम लोग उसको किस डायरी में अंकित करेंगे। ठगी करने का मामला, पहले बैंक अधिकारी बनकर ATM का नंबर लेते थे या ATM का बंद होने की बात करते थे, उसके बाद उनसे OTP प्राप्त कर पैसे की निकासी कर लेते थे, नो योर कस्टमर KYC के द्वारा ठगी करते थे, पे फोन और पेटीएम मनी रिक्वेस्ट के द्वारा ठगी करने का काम करते थे, गूगल पर विभिन्न तरह का एडवर्टीजमेंट दे करके ठगी करते हैं, या टीम व्यूअर और क्विक सपोर्ट जैसे चीज़ों को इंस्टॉल करने के नाम पर भोली भाली जनता को ठगी करने का प्रयास करते हैं। सभी पथरअड्डा OP और सारण थाना क्षेत्र के रहते हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में शेखर मंडल, वरुण मंडल, नितेश मंडल, वासुदेव मंडल, रामाकांत मंडल, बम भोला मंडल, राकेश कुमार मंडल, सागर कुमार मंडल, धनंजय मंडल, रंजीत कुमार दास, संजय मेहरा, शेखर मेहरा, श्याम सुंदर दास, सुनील कुमार मेहरा, विकास कुमार मेहरा, देवव्रत मेहरा, अमित कुमार दास, पंकज दास शामिल हैं।